पन्ना में नरदहा चौकी प्रभारी के प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। प्रधान आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद रिश्वत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पन्ना जिले में एक बार फिर से पुलिस आरक्षक को हत्या के मामले में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि झूठे तरीके से फंसाने की धमकी देकर 30,000 की रिश्वत लेते नरदहा चौकी के प्रधान आरक्षक गोमती प्रसाद तिवारी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 लोगों की टीम ने आकर नरदहा चौकी में उस समय प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया जब वो रिश्वत ले रहा था। आज हम जो है गोमती प्रसाद तिवारी प्रधान आरक्षक थाना धर्मपुर चौकी नरदहा को हमने 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वही चौकी के प्रधान आरक्षक के पकड़े जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो एक बार फिर से वर्दी पर लगे दाग की चारों तरफ निंदा हो रही है। पन्ना से विकास सेन के साथ टीम न्यूज स्टेट।